जो नया टैलेंट जो है उनको एक चांस मिलता है कि अपना कला क्या है वो प्रेजेंट करे, और दो तीन साल मैं उनके साथ हूँ तो मैंने देखा है कि कैसे हर वर्ष कोई नया टैलेंट और बेटर टैलेंट आ रहा है। तो मतलब इंडिया में बहुत टैलेंट है, और KWC से मुझे लगता है कि उनको एक जो चांस मिलता है कि लोगों के सामने आए और अगर जीते तो ये अपने देश के लिए जीते, देश उसके लिए वो इंटरनेशनल भी जा सकते हैं, जाते हैं। और मैं सबको ऑल द बेस्ट ही विश करता हूँ और उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मोस्ट टैलेंट शोज आर अबाउट नॉट ऑलवेज अबाउट द सिंगर, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट, एंड आई थिंक KWC is about getting the best singer in the front and giving them that chance, because it's not so much about you know aapko ab ye number pe message kijiye, it's none of that, it's judged by a jury of people who are in the business, so it is not judged by the audience. Matlab jaise TV pe hota hai ki aap vote kijiye aur vote karne pe votes itne aayenge to unko milta hai, तो पहले जो रियलिटी शोज़ होते थे वहाँ जजेस बैठ के खुद वोट करते थे, अब वो नहीं होता है। तो जजेस बैठते हैं, ऑडियंस को हेल्प करते हैं कि किसको वोट करे नहीं करे, बट वो ऑडियंस ही आता है, और जितने ज़्यादा वोट आते हैं इट्स ऑल गॉट टू डू विथ यू नो इट्स अ डिफरेंट सिस्टम। यहाँ डायरेक्टली हम जो वोट करते हैं वही जीतते हैं, तो आई थिंक इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द जजेस। You are one of the judges. Yes. So, आप क्या मतलब कंटेस्टेंट्स में क्या देख रहे हैं? मैं तो पहले देखता हूँ कि उनकी एक कॉन्फिडेंस क्या है स्टेज पे, कि परफॉर्म करना है, परफॉर्म सिर्फ गाना नहीं होता है, गाना गाना अलग बात होता है, परफॉर्मेंस करना उसके ज़्यादा और कुछ है, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए। तो एक तो सिंगिंग की बात है, सेकेंडली बहुत से लोग आके जो नॉर्मल वॉइसेस होते हैं, जो जैसे कि बहुत चल रहा है, तो अभी आजकल जैसे सूफ़ी चल रहा है तो सब सूफ़ी गा रहे हैं, हो सके आपका वॉइस सूफ़ी के लिए सूट नहीं होता है, तो मेरा कहना है कि सूफ़ी मत गाओ, हो सके आप कवाली गाने वाले कवाल हो उस टाइप का है, कवाली छोड़ो तो आसपास ही है, लेकिन हो सके कोई फोक टाइप का आपका वॉइस हो तो उस टाइप का गाना गाओ, ताकि आपकी जो खूबी है वो बाहर आए। तो वो देखता हूँ मैं कि कोई जो कौन सा टाइप का गाना उसने चूज़ किया कि अपने वॉइस को सूट होता है या नहीं, और अपनी वॉइस जो भी हो, खराश हो वॉइस में, आजकल सब अच्छा लगता है तो ओके है, बस अच्छा गाओ, दिल से गाओ। तो एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन की स्टेज पे आए तो आप एक ही जगह ऐसे खड़े रहेंगे, 5 मिनट गा रहे हैं 6 मिनट गा रहे तो बोरिंग हो जाता है, तो आपको कुछ परफॉर्म करना कि ऑडियंस को एंगेज करो, तो आई थिंक वो भी मैं देखता हूँ। सिर्फ कैश और सिर्फ सोना आपके साथ है तो क्विक सॉन्ग कोई भी आपका फेवरेट है? अच्छा, यू कैन सिंग सनी धपा विद मी, समथिंग अबाउट द वे यू स्माइल, यू मे नेवर नो द रीजन व्हाई, सनी धपा मगा मगर सा, something about the way you smile, you may never know the reason why, sani dhapa maga maga risa.